नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और हैप्पी शिवरात्रि आप सबको हमारी तरफ से। आज मैं आपको सुना रही हूँ शिव पार्वती का विवाह। जरूर सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिय मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाग से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। बोलो हर हर महादेव की जय हो। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे तब गिरी श्रेष्ठ हिमालय ने आदरपूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का परिग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें। बोलो हर हर महादेव। आप अपना गोत्र, प्रवण, कुल, नाम, वेद, शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद जी यह देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुँचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। उनका कुल गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो और भला कोई कैसे जान सकता है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो हर हर महादेव की जय हो। भगवान शिव तो निगुण और निराकार हैं, वे ब्रह्मा परमेश्वर हैं, वे निर्विकार हैं, मायाधारी एवं परातपर है। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं जिनका कुल गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्य के द्वारा निर्मित अंडवर मात्र है। शिवजी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करने वाले हैं। यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है जिसके कारण आप शिवजी के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय। शैलराज भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरिराज, हिमालय नाना प्रकार की लीला करने वाले इस भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमयी है और नाद शिवमयी है। भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है और शिव नादमयी है और नाद शिवमयी है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया था। बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय हो। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी के साथ संपन्न करा दो। बोलो हर हर महादेव की जय हो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय ने मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सब देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हमारे अहो भाग्य हैं जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने
प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। आपके दर्शनों से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जय जयकार करने लगे। तब वहां उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते? बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय हो। तब हिमालय मैना ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को गिरता करें। बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय हो। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ और जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका परिग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज की कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नतापूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगी। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर मन में बहुत प्रश्न थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण पात्र एवं दूध देने वाली 1,25,000 गौवें, 1,00,000 सुसज्जित अश्व एवं 1,00,00,000 हाथी तथा 1,00,00,000 सोने जवाहरतों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। बोलो हर हर महादेव की जय हो। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1,00,000 दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे अनेक भक्तों ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रश्न थे। सारी दिशाएं शहनाइयों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिय पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की मध्यदिनी में लिखे हुए स्त्रोतों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्तिभाव से प्रश्न शिव की अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहां उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजनों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रशंसा से नाच रहे थे। बोलो शिव पार्वती माता पिता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। बोलो राधे कृष्ण भगवान।